हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लैपटॉप से बैकअप कैसे लिया जाता है, डीवीआर का या एनवीआर का। ठीक है, तो डीवीआर या बैकअप लेने से पहले हमें सबसे पहले उस नेटवर्क में अपने डीवीआर या एनवीआर को अटैच करना पड़ता है। अगर मान लीजिए मेरे पास किसी वाईफाई में मेरा डीवीआर एनवीआर अटैच है, तो मैंने जैसे अभी आईपी एड्रेस से एक्सेस किया है, तो मैं आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने अपना डीवीआर या एनवीआर डायरेक्ट लैंड केबल से लगाया है, तो मैं उसमें लैन की सेटिंग कैसे करूंगा, अपने लैपटॉप को आईपी एड्रेस कैसे असाइन करूंगा, तो पहले उस पर देख लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग के पास यहाँ नीचे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंटरनेट नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, जैसे खोल लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इथरनेट। ठीक है, ये विंडोज 11 का है, इथरनेट पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आईपी असाइनमेंट का आया था मैनुअल, तो यहाँ पे एडिट करके हमारा जो भी सीरीज का डीवीआर या एनवीआर है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस उस सेम सीरीज में अपने लैपटॉप को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 23.234 में कुछ भी आखिरी में असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, विंडो प्लस आर का बटन दबाएंगे, इसमें बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, विंडो प्लस आर का बटन दबाएंगे। ठीक है, इसमें टाइप करेंगे ncpa.cpl, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपका नेटवर्क की सेटिंग खोल देगा। ठीक है, या तो तरीका जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से जाके आप सेट कर सकते हैं नेटवर्क इन सेटिंग में जाके। ठीक है, नहीं तो आपका दूसरा तरीका ये होता है, विंडो प्लस आर का बटन दबाएंगे आप, तो ncpa.cpl आता है, ये आपको लिखना पड़ेगा कमांड बार में, और उस पर आपको ओके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, एक तो मेरा ये वाईफाई से कनेक्टेड है और एक मेरा इथरनेट केबल है। ठीक है, इथरनेट मैंने अभी लगा नहीं रखा, तो मैं इसमें जाके मैनुअल आईपी से दे सकता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा TCP IP 4 आता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 आता है, इस पर डबल क्लिक करूंगा। तो ये देख रहे हैं, मैंने 234 अभी आईपी किया था, मतलब ये आईपी यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके कर लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब हम लोग आई पी एड्रेस से हमने ये डीवीआर या एनवीआर ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं लॉग इन कर लेता हूँ मैं। ये मेरा एनवीआर ओपन हो गया है। ठीक है, आप डीवीआर या एनवीआर सेम तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या है, बैकअप डाउनलोड करना है। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोग अगर पेनड्राइव से डाउनलोड करते हैं तो मैक्सिमम 32 GB सपोर्ट करता है। ठीक है, और उसमें बैकअप थोड़ा स्लो आता है अगर हम डायरेक्ट डीवीआर से बैकअप लेते हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन होता है कि इमेज पर उस बैकअप ले सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आता है कि एनवीआर को डायरेक्ट एक्सेस करके बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, तो बैकअप पे क्लिक करेंगे हम लोग, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया एड्रेस लोकल पीसी। ठीक है, पाथ दिखा रहा है सी में रिकॉर्ड में डाउनलोड हुआ है, आप चेंज करके इसका पाथ भी यहाँ पे ब्राउज करके आप इसे पाथ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए मुझे आज की रिकॉर्डिंग देख ली है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, या मैं पिछले हफ्ते की कोई रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ। ठीक है, मैं 11 तारीख की रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ, मैं टाइम डाल देता हूँ सुबह 11 बजे का, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी 15 मिनट की बैकअप लेके देख रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 11 पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने 15 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ सर्च करूंगा, देखिए मेरा फाइल सर्च होगी। यहाँ पे फाइल सर्च कर रहा है, देखिए ये मेरी फाइल्स आ गई सारी 11 तारीख की, उसके बाद की फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये बैकअप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया फाइल, तो ये मेरा बैकअप पे चला जाएगा। बैकअप पर देखो 47.31 GB दिखा रहा है, मैंने टाइम शायद मैंने ज्यादा डाल दिया, मैंने 16 तारीख का डाल दिया। ठीक है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्रॉस करके, यहाँ पे 11 कर देता हूँ, सर्च कर लो, तो ये मेरे पास ये फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम या सब स्ट्रीम, ये फाइल मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, तो ये 3.2 GB का हो जाता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे हल्के कैमरे ज़्यादा लगे, सारे कैमरे सर्च कर लिए मैंने। ठीक है, तो ये सारे कैमरे का मेरे पास बैकअप ऐसे आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे को मान लीजिए 5 मिनट का भी बैकअप अगर डाउनलोड करना है, तो उसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, छोटा सा अगर बैकअप मेरे को डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे होम पे जाऊँगा या प्लेबैक में जाऊँगा। ठीक है,
प्लेबैक में मान लीजिए मेरे पास कोई कैमरा मैंने एक सेलेक्ट कर लिया मैं, ठीक है, ये मैंने कैमरा सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्ले कर लिया, अब मैं चाहता हूँ इसका बैकअप मुझे आ जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा 14:04 का, मतलब ये छोटा सा बैकअप मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, या मैं सी ड्राइव में कर लेता हूँ, मैं रिकॉर्ड डाउनलोड में कर देता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बैकअप पे क्लिक करूँगा, ये देखिए कितनी जल्दी यहाँ पे मेरे पास बैकअप हो जा रहा है। अगर छोटी सी भी फाइल हमें चाहिए तो छोटी सी फाइल का बैकअप हमें कैसे मिल जाए, हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे पास 1 घंटे फाइल का बैकअप हो या ज़्यादा टाइम लगे। तो छोटी सी फाइल अगर 2-3 मिनट की क्लिप भी डाउनलोड करनी है, तो हम कैसे इस क्लिप को DVR को डायरेक्ट लैपटॉप पर एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमारी डाउनलोड हुई कि नहीं है। सी ड्राइव में जाके देखते हैं रिकॉर्ड डाउनलोड में, ठीक है, ये देखिए आज की डेट की फाइल मैंने अभी बैकअप लिया, तो ये मेरे पास चालू हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑलरेडी स्मार्ट प्लेयर आ गया है, तो स्मार्ट प्लेयर में भी आपका ये प्ले होने लग जाएगा। ये देख रहे हैं ये कैसे हमारा 43 MB, मतलब 44 MB मान सकते हैं हम, 44 MB का हमारे पास ये वीडियो आ गया है 4 मिनट का, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें छोटी फाइल का बैकअप डाउनलोड करना है, तो हम इसमें छोटी तरीके की फाइल का बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।